हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की। एंड दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा इस चीज़ पे डेडिकेटेड है कि बेसिकली केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की डिस्कवरी कहाँ से शुरू हुई, कब एलिमेंट्स फाइंड किए गए, और आज की डेट पे केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये सब शुरू हुआ सन 1800 के दशक में, जब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 30 एलिमेंट्स यानी 30 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। और आज की डेट की बात करें, मतलब आज की ईयर की बात करें 2020 की, तो आज हमारे पास कुल मिला के 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उन 118 में से हमारे पास 92 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग मतलब वो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है उनमें। और बाकी बचे हुए जो 26 एलिमेंट्स हैं, दोज आर मैनमेड एलिमेंट्स, मैनमेड एलिमेंट्स का मतलब ये 26 जो एलिमेंट्स हैं इनको इंसानों ने बनाया है किसी तरीके से। वो तरीके की बात अभी नहीं करेंगे, अभी हमारा मेन डिस्कशन ये है कि 1800 से लेके 2020 तक में एलिमेंट्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा गया। अब बेसिकली हमको इस चैप्टर में चार चीजें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज डोबेनियर ट्रायड, सेकेंड वन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, थर्ड वन इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एंड आवर फोर्थ एंड द लेटेस्ट वन दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इन चारों के बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर में दे रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोबेनियर ट्रायड से। अपना पहला टॉपिक है डोबेनियर्स ट्रायड। सो व्हाट बेसिकली अ ट्रायड इज, ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, और यू कह सकते हैं कि हम तीन चीजों के ग्रुप को हम ट्रायड कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट डोबेनियर। अब 1817 की बात है, सन 1817 के दशक में एक केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन वुल्फ गैंग डोबेनियर। इसने उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे 30 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में सिमिलैरिटीज फाइंड करी थी और एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी थी। तो वो सफल कहाँ तक हुआ था, सो वी कैन से आउट ऑफ दोज 30 एलिमेंट्स ही फाउंड थ्री ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच। मतलब उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे 30 एलिमेंट्स में से उसने 9 एलिमेंट्स ऐसे सर्च करे जिसके बीच में वो सिमिलैरिटीज बता सकता था। अब उन 9 एलिमेंट्स को उसने तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड करा।
सो अपन ने जैसा कि बोला कि ट्राइड इज अ ग्रुप ऑफ एनी थ्री पार्टिकल, सो ही सेड अ ट्राइड कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, मतलब तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने ट्राइड कहा। अब वो तीन एलिमेंट कौन से थे? सबसे जो पहला ट्राइड था, सबसे पहला ट्राइड था दैट वाज ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जो सेकंड ट्राइड था हमारा वो था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और जो हमारा थर्ड ट्राइड था वो था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। अब ठीक है, हमने बोल दिया, हमने मान लिया कि उसने ट्राइड्स डिस्कवर करे थे, पर ये ट्राइड्स किस बेसिस पे करे थे डिस्कवर? एक्चुअली उसके इन ट्राइड्स को डिस्कवर करने का या ट्राइड्स में इन्हीं तीन एलिमेंट्स को लेने का रीजन ये था कि हर ट्राइड के पहले एलिमेंट के मास और तीसरे एलिमेंट के मास का जो सम था उनका एवरेज सेकेंड एलिमेंट के मास के नियर अबाउट आ रहा था। अब इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। जैसे पहला ट्राइड ले लेते हैं अपन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब लिथियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 7U, और जो पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 39U। ठीक है, अब इन दोनों के अगर एवरेज की बात करें तो दैट कम्स आउट टू बी 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल्स टू 46 बाय 2, विच इज 23। और ये 23 जो है वो सोडियम का मास है। सो हम कह सकते हैं कि जो भी ट्राइड उसने सेलेक्ट करा उसके पहले और तीसरे एलिमेंट के मास का जो एवरेज था वो सेकेंड एलिमेंट के मास के इक्वल आ रहा था। वहीं अगर अपने सेकेंड ट्राइड की बात करें दैट इज क्लोरीन, फ्लोरीन का मास है 35.5U, आयोडीन उसका 127U। तो अपन पहले एक बार इन दोनों का मास निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं क्लोरीन फर्स्ट सेकेंड ट्राइड का फर्स्ट एलिमेंट है और आयोडीन जो है वो सेकेंड ट्राइड का थर्ड एलिमेंट है। तो इनका एवरेज अगर निकालें तो दैट इज 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 162.5 डिवाइडेड बाय 2, विच कम्स आउट टू बी 81.5, जो कि ब्रोमीन का मास है। एग्जैक्टली ब्रोमीन का मास 81.5 नहीं है, दैट इज नियरली अबाउट 80 पॉइंट समथिंग, बट बहुत ज्यादा करीब था। इसके लिए उसने ये ट्राइड सेलेक्ट करा। सिमिलर वे में आप इस एलिमेंट के ट्राइड को इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो उसका क्लासिफिकेशन था, एलिमेंट्स को जो डिवाइड करने का तरीका था वो गलत कहाँ पे हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब कमियां। अब डोबेरियर के ट्राइड में कमियां क्या क्या थी? सो लिमिटेशंस ऑफ डोबेनियर्स ट्राइड, या लिमिटेशंस कोई दूसरा अपन कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेनियस ट्राइड। तो सबसे पहला जो उसका ड्रॉबैक था, जो सबसे मेजर ड्रॉबैक था वो ये था कि आउट ऑफ दोज 30 एलिमेंट्स ही वॉज एबल टू रिकग्नाइज ओनली 9 एलिमेंट्स। मतलब उन
जो 30 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर थे उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही रिकॉग्नाइज कर पाया, या फिर जो 9 एलिमेंट्स थे उन 30 एलिमेंट्स में से सिर्फ उन 9 एलिमेंट्स को ही वो एक पैटर्न में उतार सका, बाकी के रिमेनिंग 21 एलिमेंट्स के बारे में वो कुछ नहीं कह सकता था। सो सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो डॉबिनियर का था वो ये था। अब सेकेंड ड्रॉबैक की बात करें अगर, तो उसने ये मान लिया कि ठीक है भाई 30 तक ही एलिमेंट्स हैं, अपने उसके अलावा कोई एलिमेंट फाइंड ही नहीं हो सकते, तो उसने क्या करा, कोई और एलिमेंट्स का सोचा ही नहीं। तो सेकेंड ड्रॉबैक उसका ये था दैट ही अज्यूम्ड दैट नो मोर एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द नेचर। तो इसी के साथ टॉबेनियर का हिसाब तो चल नहीं पाया। उसके बाद ये नहीं हुआ कि ठीक है यहीं तक था, उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, उनके भी थोड़ी सी चुल थी कि हम भी कुछ ढूंढें। तो ऐसे ही डॉबेनियर के एलिमेंट्स के डिस्कवरी के बाद और साइंटिस्ट्स में उत्सुकता जागी, जिसके बाद एक जॉन न्यूलैंड करके बंदा आया था ईयर 1866 में। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है क्या? अब जैसा कि अपन ने बात करी इन द ईयर 1866 देयर वाज अ पर्सन नेम्ड जॉन न्यूलैंड। अब जॉन न्यूलैंड के टाइम पे क्या था कि टोटल 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब इस चीज का जॉन को फायदा मिला कि भाई डॉबिनियर के टाइम पे तो सर 30 एलिमेंट ही थे, मेरे टाइम पे 56 हैं, तो कुछ तो फायदा उठाना बनता है इस चीज का। तो इसने क्या करा, इसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करा, मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको पहले लिखा, उसके बाद जिसका ज्यादा है उसको लिखा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे करके वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखता गया। तो सेकेंड पॉइंट न्यूलैंड की ये थी कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो उसने क्या करा, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करना शुरू करा। अब उस टाइम पे डिस्कवर्ड सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट था दैट वाज हाइड्रोजन, जो कि अभी भी है, तो अपन कह सकते हैं। सो सब तो लेट्स ड्रॉ हिज ऑक्टेव फर्स्ट एंड देन आई टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑक्टेव, कि उसने क्यों ऑक्टेव ही बोला इसको, व्हाई ही नेम्ड इट एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहला जो एलिमेंट था उसके ऑक्टेव का दैट वाज हाइड्रोजन, देन इट वाज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्टेव बोलने का न्यूलैंड का रीजन ये था क्योंकि ऑक्टेव मींस 8, और जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं जो कि सा रे गा मा पा धा नी सा हैं, वो भी टोटल 8 थे। सी सा रे गा मा पा धा नी एंड देन केम सा। तो ये जो नोट्स थे, ये जो ऑक्टेव उसने रखा वो उन म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे ही रखा, इसके लिए उसने कहा कि ये मेरा एक ऑक्टेव है। अब सेकेंड ऑक्टेव की बात करें दैट वॉज फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन,
मैंगनीज, आयरन। ठीक है, पहले यहां तक एक बात कर लेते हैं अपन। अब उसका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखने का फायदा क्या मिला उसको? अब उसने ये पाया कि जो हर एट्थ एलिमेंट है, अब यहाँ पे एट्थ एलिमेंट काउंट करते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड देन एट्थ। तो हर एट्थ एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी, मतलब देवर शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर थी हाइड्रोजन के साथ। वैसे ही सोडियम की बात करें तो सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही थी लिथियम के साथ। ऐसे किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लेते हैं, एल्यूमिनियम और बोरोन, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी मैच कर रही थी। सेम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। तो ये रीजन था न्यूलैंड के कि उसने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करा, आठ के ग्रुप में अरेंज करा। उसने एक पैटर्न ढूंढना था इस चीज में कि हर एट्थ एलिमेंट जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। किसके साथ रिपीट करेगा? जो पहला एलिमेंट होगा उसके साथ। वैसे सेम मैग्नीशियम, इट विल ऑल्सो रिपीट इट्स प्रॉपर्टी सेम एज बेरिलियम। तो ये रीजन था। पर अब भाई ये लॉ भी फेल हो गया। अब इस लॉ के फेल होने का क्या रीजन था? कुछ तो रहा होगा, जबकि ये लॉ चल नहीं पाया। अब अपन बात करते हैं आयरन की। ठीक है, उसने आयरन को तो प्लेस कर दिया। उसके बाद उसने प्लेस करा कोबाल्ट एंड निकल, इन दोनों को साथ में। फिर उसने प्लेस करा कॉपर, फिर जिंक, फिर यट्रियम, देन इंडियम, देन केम एस्टेटिन, देन सिलीनियम, फिर अब आया अपना ब्रोमीन, रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, सीजियम एंड लैंथेनम एंड जिरकोनियम, और फिर उसने ब्लैंक छोड़ दिया आगे। अब इसके ऑक्टेव में दिक्कत कहाँ पे आई? ये क्यों नहीं चल पाया ये ऑक्टेव? न्यूलैंड का जो लॉ था ऑक्टेव्स का, ये क्यों नहीं एप्लीकेबल था? अब ये एप्लीकेबल तो था, पर ये था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही, हुज एटॉमिक नंबर इज 20। तो वी कैन से दैट ये केवल एप्लीकेबल था लाइटर एलिमेंट्स के साथ ही। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एफ ई आयरन, इट इज अ मेटल, और वहीं सल्फर ऑन द अदर हैंड इज अ नॉन मेटल। सो वी कैन से दैट एल्यूमिनियम और सल्फर की प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं कर रही थी। तो ये रीजन था कि उसने उसके जो लॉस थे वो केवल और केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल थे, या फिर एटॉमिक नंबर 20 तक ही एप्लीकेबल थे, या फिर मास नंबर 40 तक ही एप्लीकेबल थे। तो अपन अब बात करते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स की। सॉरी, ड्रॉबैक से पहले बात करते हैं कि इसके जो लॉ था, जो ऑक्टेव का लॉ था, इसका प्लस पॉइंट क्या था। सो वी कैन से दैट एवरी एट्थ एलिमेंट इन इज ऑक्टेव वॉज शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एवरी एट्थ एलिमेंट इन इज ऑक्टेव वॉज शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट। आई होप यहां तक क्लियर है कि हर एट्थ एलिमेंट जो था वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की। तो सबसे जो पहला ड्रॉबैक था इसका, जो न्यूलैंड का जो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था, लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन, ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो ये था कि दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम हुज एटॉमिक नंबर इज 20 और हुज मास नंबर इज 40 U। ठीक है, अब दूसरे अगर ड्रॉबैक की बात करें तो दूसरा ड्रॉबैक ये था कि उसने कुछ एलिमेंट्स को सेम पोजीशन पे प्लेस कर दिया था। फॉर एग्जांपल हमने अंडरलाइन करा कोबाल्ट और निकल को, सेलेनियम और लैंथेनॉइड को। अब ये उसने जबरदस्ती वाली बात कर दी कि हाँ ये सेम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं इसलिए इन दोनों को हम साथ में रख देते हैं, बट दैट वाज नॉट ट्रू। अब कोबाल्ट और निकल को ठीक है इसने साथ में रख दिया, पर क्या कोबाल्ट और निकल जो कि मेटल हैं वो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और वहीं कोबाल्ट और निकल जो है दो आर मेटल्स। तो उसने क्या करा कि कुछ एलिमेंट्स को उसने गलत कैटेगरी में प्लेस कर दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल। और वहीं दूसरी बात करें उसने जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उन एलिमेंट्स को दूर भी रखा। कैसे? कोबाल्ट और निकल शोज अ मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक सेम एज आयरन, पर आयरन को क्या उसने बहुत दूर रखा पीरियोडिक टेबल में अपने। तो ये कह सकते हैं उसने कुछ एलिमेंट्स को बहुत दूर प्लेस करा अपने पीरियोडिक टेबल में। सो सेकेंड ड्रॉबैक उसका ये था दैट ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट सो दैट ही कैन रिप्रेजेंट द सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल की बात करें तो कोबाल्ट एंड निकल एंड CeNLa। ठीक है, तो इसने इन दोनों एलिमेंट्स को जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोबाल्ट और निकल इसको एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस करा था। वैसे इसने सेलेनियम एंड लैंथेनॉइड इन दोनों को भी एक ही ग्रुप में प्लेस करा था, विच वॉज रॉन्ग। थर्ड ड्रॉबैक की अगर बात करें हम तो उसने क्या करा था, कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको बहुत दूर रखा था। सो वी कैन से दैट ही प्लेस्ड सम ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉमा अवे फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल की बात करें आयरन की प्रॉपर्टी सिमिलर है कोबाल्ट और निकल से, आयरन की प्रॉपर्टी सिमिलर है कोबाल्ट और निकल से, बट उसने इसको दूर प्लेस करा इनसे। और चौथा जो सबसे अहम तो नहीं कह सकते पर हाँ इसको गिना जा सकता है कि उसने ये अज्यूम कर लिया था कि हाँ भाई 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और फर्दर किसी एलिमेंट्स की डिस्कवरी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए उसने अपने ऑक्टेव के अंदर जगह खाली नहीं छोड़ी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो मेंडेलीव ने ये गलती नहीं करी थी। सो वी कैन से दैट ही अज्यूम्ड दैट
ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर फाउंड which did not fit in Newland's octave. और last जो इसका drawback था जो कि similar है या same कह सकते हैं first के साथ वो ये था कि it was only applicable फॉर लाइटर एलिमेंट्स. अब यहां पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या डोबिनियर का ट्रायड जो था वो आपको कहीं न्यूलैंड के ऑक्टेव में दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल. ये लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक ट्रायड तो ये रहा आपके सामने ही है जो कि आपको न्यूलैंड के ऑक्टेव में मिल जाएगा. सो ये हम ये कह सकते हैं कि जो डोबिनियर का ट्राइड था वो न्यूलैंड के ऑक्टेव में भी विजिबल था. मतलब जो डोबिनियर ने ट्राइड बनाया था दैट वाज आल्सो राइट. बस उसकी कमी ये रह गई कि वो केवल तीन ही ट्राइड्स को फाइंड कर पाया था या फिर 9 एलिमेंट्स के बीच में ही वो कुछ सिमिलैरिटीज फाइंड कर पाया था. तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्वियसली अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि कहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया था, किस रीजन से न्यू जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एग्जिस्टेंस में है और क्या क्या अच्छी बातें हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की.